नमस्कार, शुभ प्रभात। लाइव एक्सप्रेस में आप सभी धर्म वृंदों का, भक्तजनों का और श्रद्धालुओं का स्वागत है। आज हम किसी वेद देव कथा या कार्तिक जैसे माह की पवित्रता के बारे में बात नहीं करेंगे और ना ही ये करेंगे कि किसको भक्ति कैसे करनी चाहिए और क्या कर्मकांड और ये सब बातें आज नहीं। हम सामाजिक सरोकार से जुड़े जो हमारे दायित्व हैं, सामाजिक सरोकार से जुड़कर हम ईश्वरीय जो हमारी प्रार्थना है, पूजा है, अर्चना है, आराधना है, बंदगी है, उस पर बात करेंगे। वो कैसी होनी चाहिए ये हम और आप सब जानते हैं कि आज एक घोर बाजारवाद से हम गुजर रहे हैं। भव्य मंदिरों का निर्माण हो रहा है, पहले भी होता था, लेकिन पहले हमें ये भी देखना होगा कि मंदिर जो थे वो कब हमारे भारत में शुरुआत हुई मंदिरों की, ये एक इतिहास है। करेंगे बात, इस पर भी करेंगे बात, लेकिन अब फिलहाल जो हो रहा है हम उस पर बात करना चाहेंगे। मैंने आज से 10-12 वर्ष पूर्व एक लेख लिखा था, भक्त, भगदड़ और भगवान। मंदिर विशाल होते जा रहे हैं, भव्य होते जा रहे हैं, उतनी ही भक्तजनों की, श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। मेरा सवाल इतना ही है कि ईश्वर का और इंसान का, मनुष्य और ईश्वर का रिश्ता तो एक सनातन रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है, और क्या हम भव्य मंदिरों में जाकर भीड़ का एक हिस्सा बनकर ईश्वर से कोई खास संबंध बनाते हैं? यह सवाल है, सामाजिक सरोकार का है, एक चिंतन का है और सामिक है, इसमें होना चाहिए। हम भीड़ का हिस्सा बनते हैं, असामाजिक तत्व मौके की ताड़ में होते हैं और वो कोई ना कोई अफवाह या कोई ना कोई ऐसी एक ऐसे कृत्य को जन्म देते हैं कि भगदड़ मचती है, और भगदड़ में इनोसेंट कहें या निर्दोष व्यक्तियों की मौत होती है, उसमें विशेषकर महिलाएं और बच्चे होते हैं। अच्छा, ये तो रही एक बात। इसके साथ साथ बड़े मंदिरों में जो स्थापित मंदिर हैं उनमें VIP दर्शन का भी एक चलन चल चुका है। मेरा मतलब, आप बड़ा स्पष्ट रूप से, मैं भी उसका एक हिस्सा बन चुका हूँ। मैं किसी मंदिर को अब कोट नहीं करूँगा, राजस्थान में गया था मैं तो मुझे उसका एक हिस्सा बनना पड़ा और पैसे देने पड़े VIP, और लेकिन VIP में भी उससे ज़्यादा रश था जो एक साधारण का रश। ये आज मंदिरों की स्थिति है, बहुत से धर्मस्थलों में अन्य में होगी, हो सकता है वहाँ पर भी हो, और भगदड़ तो हर जगह मची है। आप किसी और किसी धर्म को भी झांक के देखोगे, हाल ही में कर्बला में भी हुआ, और ये किसी कहीं पर भी देख लो, भगदड़ तो किसी भी जहाँ भीड़ हो सकती है वो धर्मस्थलों पर भी हो सकती है, कहीं अन्य स्थानों पर भी हो जाती है, लेकिन ये भीड़ जो क्यों बढ़ रही है, सवाल ये है। विशेषकर हमारा, क्योंकि ये सुप्रभात कार्यक्रम धर्म से जुड़ा है, भगवान की भक्ति से जुड़ा है, इस करके हम धर्मस्थलों को ज़्यादा ले रहे हैं कि धर्मस्थलों पर आज भीड़ क्यों बढ़ रही है। क्या मनुष्य में भगवान के प्रति ऐसा प्यार उमड़ा है कि वहीं जाकर उसे वो भगवान के दर्शन होते हैं? क्या वजह क्या है? ये चिंतन के एक हमारा वो है। लेकिन VIP की जब बात करते हैं तो VIP पे तो मनोज कुमार एक बहुत भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध कलाकार हैं, उन्होंने बहुत सी फिल्में बनाई हैं, तो उन्होंने आज 40-45 वर्ष पूर्व एक यादगार फिल्म बनाई थी, तो उन्होंने एक गीत लिखा था इसी फिल्म में, उन्होंने नहीं लिखा, गीत लिखा गया था और महेंद्र कपूर साहब का गाया हुआ है, तो उसमें यह लिखा था कि आए जहां भगवान से पहले किसी धनवान का नाम, उस मंदिर को छोड़ के, इस तरह से मतलब उन्होंने कहा है कि उस मंदिर को भगवान को छोड़ जाएंगे, कुछ इस तरह के बोल है। वो गीत हम आपको सुनवाते हैं कि VIP दर्शन क्यों हो, बहुत मुमकिन है कहीं पर ज़रूरत होती भी होगी, हम उस अपवाद को भी नज़रअंदाज नहीं कर रहे, लेकिन इन जनरल जब हम बात करते हैं, VIP दर्शन अलग हैं, आम भक्तों की जो दर्शन है वो अलग हैं, ये कैसा व्यापार है मंदिरों में कहें या कहीं और धर्मस्थलों की बात करें हम, ये कैसा व्यापार है? बाजारवादी सोच है या नहीं है, ये चिंतन का प्रश्न है। लेकिन इस गीत को आप सुनिए, आए जहां भगवान से पहले किसी धनवान का नाम। आए जहां भगवान से पहले किसी धनवान का नाम, उस मंदिर के द्वार खड़े खुद रोए कृष्ण और राम, धनवान को पहले मिले भगवान के दर्शन, दर्शन को तरसता रहे जो भक्त हो निर्धन,
ये दक्षिणा की रीत ये पंडों के छलावे दुकान में बिकते हुए मंदिर के चढ़ावे ऐसे ही अगर भगवान का दुनिया में कोई नाम न लेगा ऐसी जगह पे जाके तू कुछ भी न पाएगा भगवान ऐसा मंदिर खुद छोड़ जाएगा भगवान राणा मंदिर में नहीं तो और कहाँ मिलेगा वो खेत में मिलेगा गलियान में मिलेगा वो खेत में मिलेगा गलियान में मिलेगा भगवान तो है बंदे भगवान तो है बंदे इंसान में मिलेगा वो खेत तो धनवृंदो आपने सुना कि वो खेत में मिलेगा खलियान में मिलेगा भगवान तो है बंदे इंसान में मिलेगा। बात तो ठीक है कि इंसान में ही मिलेगा, इंसान और भगवान का रिश्ता है क्या, किस तरह, कितना ये सुदृढ़, कितना सनातन, कितना पुराना और कितना सच्चा ये है, इसको मानना होगा, इसे समझना भी होगा। सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन के हम भगवान के साथ अपने रिश्तों की पुष्टि नहीं कर सकते, एकांत में भी लोग उसका स्मरण करते हैं, याद करते हैं। और हम ये भी नहीं कहते कि मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, धर्मस्थल बने ही इसीलिए होते हैं कि जाओ अपनी श्रद्धा का इजहार करो, अपना उसके बताइए कि भगवान से जो मांगना है मांग लो। लेकिन इन संबंधों में एक प्रगाढ़ता भी आती है और उसमें हक जताता है इंसान। अगर वो बात उसकी पूरी नहीं होती या वो किसी एक दुख भरी स्थिति में आके उसे याद करता है तो वो अपनी हक की सारी हदें लांघ कर भी ये कह देता है राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। सुनिए ये गीत। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम, मेरी बिनती सुने तो जानू, मेरी बिनती सुने तो तुझे मैं राम, राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम, साथी जगत में बस एक अपना, साथी बस एक अपना, इस जीवन का आखिरी सपना, वो भी तोड़ के दाता ना ले, यूं मोड़ के दाता ना ले, सर पे तू ये इल्जाम, राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम, दुनिया में तेरा बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। जैसा कि हमने शुरुआत में कही कि आज हम किसी भी ऐसी बात को आपके साथ जो है हम नहीं बांट रहे,
जो हमारी पुरातन प्रथाएं या परिपाटियों से जुड़ी हों, किसी धर्म गाथाओं से जुड़ी हों, देव कथाओं से जुड़ी हों, ये सामाजिक सरोकार की एक बात है जो हम रूबरू होकर आपसे बात करते हैं। हमें मतलब इंसान का जो भगवान का रिश्ता है और इंसान को सुव्यवस्थित समाज में किस तरह से जो है वो रहना चाहिए, और किस तरह से हमें थोड़ा चिंतन करके ये भी सोचना है कि ये जो घटनाएं भक्त भगदड़ और भगवान, जैसा मैंने एक लेख लिखा था उसमें मैंने बयान किया है कि किस तरह से ये जब अनहोनी जो घटनाएं हैं जो हमारे सामने हो जाती है भगदड़ के रूप में, हम भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, विश्वास कर लेते हैं और सारी बातें वहीं पर शरारती तत्व असामाजिक तत्व अपना काम करते हैं और एक बहुत एक दुखद स्थिति पैदा हो जाती है। इन घटनाओं को हम किस तरह से रोक सकते हैं? सिक्योरिटी वाले अपना काम करते हैं, आज तो सीसी कैमरे भी बहुत सी जगह पर लगे हुए, कम हुई भी हैं ऐसी बात भी नहीं है, उस पर अंकुश लग भी रहा है धीरे धीरे, बावजूद इसके हम ये करते हैं। इसके लिए हमें चिंतन करना होगा। हमारे जो, मैं फिर एक बात को दोहराना चाहूँगा, परमात्मा और जो इंसान का रिश्ता है ये बहुत सनातन है और जुड़ा हुआ है, हो ही नहीं सकता कि हम उससे जुदा हो जाएं। वो लोग जो मानते हैं वो भी, और जो नहीं मानते हैं उनके लिए भी ये संदेश है। थीस्ट एथिस्ट दोनों के सामने ये चुनौती है। वो एथिस्ट हैं जो नहीं मानते भगवान को, थीस्ट हैं मानते हैं। तो मानो या ना मानो, वो सृष्टि का रचयिता, वो उसका नियंता पूरे ब्रह्मांड का, वो तो उसका अस्तित्व है सो है, उसको कोई समझ पाया या नहीं पाया, जो समझ सकेगा नहीं समझ सकेगा ये अलग बात है। बावजूद इसके हम एक और गीत के माध्यम से, एक और अभिव्यक्ति के माध्यम से, जब इंसान दुखों में घिरता है, उसकी विपरीत परिस्थितियों का वो जब सामना कर रहा होता है, कोई उसे नजर नहीं आता अपने इर्द गिर्द, तो वो ये भी कह उठता है, ये क्या किया रे दुनिया वाले। सुनिए ये गीत। ये क्या किया रे दुनिया वाले, जहाँ के गम तूने सभी मुझको दे डाले। ये क्या किया रे दुनिया वाले, जहाँ के गम तूने सभी मुझको दे डाले। ये क्या किया रे दुनिया वाले, ओरे बेदर्दी ओ हर जाई, देख ली मैंने तेरी बुराई। ओरे बेदर्दी ओ हर जाई, देख ली मैंने तेरी बुराई। पहले ही घायल था और भी उसी पर चोट लगाई, तूने रुला के मुझे दर दर फिरा के मुझे, कब के ये अरमान निकाले। ये क्या किया रे दुनिया वाले, जहाँ के गम तूने सभी मुझको दे डाले। ये क्या किया रे दुनिया वाले। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत साधारण अभिव्यक्ति में हमने कोशिश की आज के इस एपिसोड में समझाने की कि इंसान और जो भगवान का रिश्ता है वो कैसे हम समझ सकते हैं, कैसे उसको और भी प्रगाढ़ किया जा सकता है, कैसे हम भक्ति मार्ग पर चलकर उस रिश्ते को और भी सुदृढ़ कर सकते हैं, कैसे और भी ज्ञान को हम अपने भीतर समा सकते हैं। इसमें समझने की ज़रूरत इतनी ही है कि अगर हम भीड़ में कहीं खड़े भी हैं तो कितने सचेत हैं, हम ईश्वर को किस तरह से जाने। ईश्वर के साथ जो प्रेम है हमारा, जो भक्ति है, वो भीड़ में खड़े हों या ना हों, किसी मंदिर में जाएं या ना जाएं, किसी धर्मस्थल पर जाएं या ना जाएं, हम किस तरह से इबादत करते हैं, किस तरह से पूजा अर्चना करते हैं, मेरा बहुत व्यक्तिगत मामला है। मैं इसको एकांत में भी बैठकर समझ सकता हूँ, एकांत में भी उसको याद कर सकता हूँ, और करना चाहिए मेरे, और भीड़ में भी कोई परहेज नहीं है। लेकिन वहाँ जो डर है, वो कौन लोग हैं जो व्याप्त कर रहे हैं डर, वो कौन लोग हैं जो बाजारवाद को व्याप्त कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो VIP दर्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे कुछ प्रश्न हैं। आगे शायद इस पर फिर कभी चर्चा होगी, लेकिन आज के सुप्रभात में सिर्फ इतना ही। आपने ये गीत सुने और इन गीतों के माध्यम से
थोड़ा चिंतन हम समझते हैं कि करना ही चाहिए और करना होगा, ताकि हम किसी अप्रिय घटना को घटने से समाज से रोक सकें, उस पर अंकुश लगा सकें और सहयोग कर सकें उन लोगों का जो सिक्योरिटी प्रबंधन और जो धर्मस्थलों के प्रबंधन में जुटे हैं, हम उनका सहयोग दे सकें। नमस्कार। तो ये था आज का लाइव एक्सप्रेस का सुप्रभात। कल फिर मिलते हैं एक नई सोच, एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार। यह है लाइव न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस 24/7 ऑनलाइन चैनल।